दोस्तों आज की ये वीडियो फ्री फायर के न्यू प्लेयर्स के लिए होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कस्टम को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। और अभी जो येलो वाले कस्टम है वो हमें गिल्ड में देखने के लिए नहीं मिल रहा है। अब इसे लेने के लिए या तो हमें डायमंड देना पड़ेगा या फिर इसके लिए कोई इवेंट आएगा तभी हम इस कस्टम का यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के दिन से यहाँ पर एक इवेंट स्टार्ट हुआ है जिसमें हमें डेली 24 घंटे के लिए कस्टम बिल्कुल फ्री में देखने के लिए मिलेगा और इसे हम अनलिमिटेड बार बना सकते हैं, जितने बार हमें बनाना है बना सकते हैं। और ये जो इवेंट है वो 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक चलने वाला है। तो दोस्तों आप समझ सकते हो कि अभी आने वाले 7-8 दिनों तक आपको यहाँ पर रेगुलर ये वाले कस्टम देखने के लिए मिलेंगे। अभी आपको मन मर्जी जितना कस्टम खेलना है खेल लीजिए, बाकी फिर बाद में ये वाले कस्टम तो आपको डायमंड में ही मिलेंगे क्योंकि गिल्ड से मिलने अब ये वाले कस्टम बंद हो गए हैं। तो देखो अभी तो हमें यहाँ पर मिल रहा है, मैं इसे यहाँ से क्लेम कर लेता हूँ। अभी आपको 7 तारीख से लेकर 16 तारीख तक रोज के दिन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 24 घंटे के लिए। अब इसे आप किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर मैप वाले आइकन के ऊपर आ जाना है, इसके बाद यहाँ पर आपको कस्टम वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं जैसे कस्टम वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी 24 घंटों के लिए अनलिमिटेड कार्ड है और इसके अलावा भी 2 रूम कार्ड मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो अभी हम 24 घंटे वाला ही यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से आपको कुछ भी नहीं करना, एक आपको क्रिएट वाला सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो सिंपल तरीके से आपको क्रिएट वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। अभी दोस्तों इस तरीके का सीन हो जाएगा। अभी आप इस वाले कस्टम को किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो चलिए वो जानते हैं। तो सबसे ऊपर के साइड में आप देख सकते हो रूम नेम इस तरीके से दिया हुआ है, तो यहाँ से आप अपने रूम का कुछ भी नाम दे सकते हो। तो जैसे कि मैं देता हूँ, मैं खुद ही का नाम दे देता हूँ, तो मैंने देखो यहाँ पर इस तरीके से दे दिया हूँ। अभी दोस्तों सेकंड में आपको देखने के लिए मिल जाता है पासवर्ड। अभी यहाँ से आप पासवर्ड सेट भी कर सकते हो नहीं भी कर सकते। यदि आपको रेंडम बंदों के साथ खेलना है तो यहाँ से आप पासवर्ड बिल्कुल भी सेट मत करना, फिर आपके कस्टम में कोई भी बंदा आ सकता है। लेकिन यदि आप अपने टीममेट के साथ ही खेलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ भी अच्छा सा पासवर्ड लगा देना है। तो दोस्तों देखो मैं कुछ भी अच्छा सा पासवर्ड लगा देता हूँ और अब मेरे कस्टम में कोई भी रेंडम बंदा नहीं आ पाएगा। तो आपको जिस तरीके से खेलना है रेंडम बंदों के साथ खेलना है तो पासवर्ड नहीं लगाना है, और यदि आप अपने टीममेट के साथ ही खेल रहे हो तो वहाँ पर आपको पासवर्ड का यूज़ जरूर करना है। और पासवर्ड में आप कोई भी गिनती यहाँ पर लिख सकते हो 4-5 अक्षर की, आपको जिस तरीके से बनाना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो गेम मोड दिया हुआ है, यह है क्लास स्क्वाड। आप क्लास स्क्वाड के अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में भी यहाँ पर कस्टम बना सकते हो, जैसे कि बैटल रॉयल मोड है, इसके अलावा डेट मैच है, रस हो रहा है, बैटल के जिस तरीके से काफ़ी सारे मोड है। अभी दोस्तों नीचे के साइड में आप देख सकते हो मैप, तो मैप भी यहाँ पर आपको सभी प्रकार के देखने के लिए मिल जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर बंदे तो यहाँ पर बरमुडा के अंदर ही कस्टम खेलता है क्योंकि इसी के अंदर खेलने में काफ़ी ज़्यादा मजा आता है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो टीम मोड, आपको सोलो वर्सेस सोलो करना है या डुओ वर्सेस डुओ करना है या स्क्वाड वर्सेस स्क्वाड करना है या सिक्स वर्सेस सिक्स करना है। अब जिस तरीके से आप यहाँ पर करना चाहते हो उस तरीके का कस्टम यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं सोलो वर्सेस सोलो करूँगा तो मैंने सोलो वाले के ऊपर सिलेक्ट कर लिया हूँ। इसके बाद यहाँ से भी कुछ नहीं करना है, यहाँ से भी कुछ नहीं करना है, यहाँ से भी आपको कुछ नहीं करना है। अभी दोस्तों नीचे के साइड में आप देख सकते हो रूम टाइप वाला सेक्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, एक है रेगुलर रूम और एक है गिल्ड रूम। तो दोस्तों यहाँ पर तो हम गिल्ड वाले बनाएंगे नहीं क्योंकि गिल्ड वाला हमारे पास है नहीं, बाकी गिल्ड वाला भी आप यहाँ से बना सकते हो। हम बनाने वाले हैं नॉर्मल कस्टम रूम, जो येलो वाला रहता है हम वही वाला बनाने वाले हैं, तो उसके ऊपर आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब इतनी चीज़ें हो जाती है तो दोस्तों इसके बाद आपको सीधे चले जाना है एडवांस सेटिंग के ऊपर। और जैसे एडवांस सेटिंग पर आप आते हो तो सबसे पहले यहाँ से दोस्तों आपको एडवांस सेटिंग को ऑन कर लेना है। तो मैं जैसे यहाँ पर एडवांस सेटिंग को ऑन करता हूँ तो देखो काफ़ी सारे ऑप्शन मेरे सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको मैच के अंदर कौन कौन सी गन चाहिए, जिस गन के ऊपर टिक रहेगा वो गन यहाँ पर मैच के अंदर आएगी और जिसके ऊपर टिक नहीं लगा रहेगा वो वाली गन यहाँ पर मैच के अंदर नहीं आने वाली है। और इधर के साइड से आप कॉइन को सेट कर सकते हो कि ये वाली गन हमें मैच के अंदर इतने कॉइन में मिलनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से आप कॉइन वगैरह भी सेट कर सकते हो। तो ये सभी चीज़ है, जैसे कि मैच के अंदर यूएमपी गन इसमें नहीं आएगी तो यूएमपी को मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ, अब जो यूएमपी गन है मेरे मैच के अंदर आएगी। अभी दोस्तों मैं जैसे ही और थोड़ा नीचे आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी सारी गन में टिक नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर M1014 भी मेरे यहाँ पर मैच में नहीं आएगी, तो इसे भी मैं यहाँ से टिक कर देता हूँ, अब मेरे मैच के अंदर M1014 गन भी आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ से आप कर सकते हो। अभी देखो मैं जैसे ही थोड़ा थोड़ा नीचे जाता हूँ तो यहाँ से आप लेवल 4 के हेलमेट वेस्ट को भी ऑन कर सकते हो। मैंने यहाँ पर लेवल 3 के हेलमेट को ऑन कर दिया और लेवल 4 के वेस्ट को यहाँ से ऑन कर दिया, और यहाँ से आप सभी चीज़ें कर सकते हो। और दोस्तों उसका प्राइस भी आप डिसाइड कर सकते हो कि ये मैच के अंदर हमें इतने कॉइन में मिलने चाहिए। इसके बाद है इकोनॉमी वाला सेक्शन। तो दोस्तों मैं जैसे ही इकोनॉमी वाले सेक्शन पर आ जाता हूँ तो यहाँ से सबसे पहले आपको राउंड सेट कर लेना है। यहाँ से मैं राउंड सेट कर लेता हूँ 15। दोस्तों जो भी आपका कस्टम का राउंड है वो यहीं से सेट होगा, आप और कहीं से करोगे तो नहीं होगा, आप जो भी राउंड सेट करोगे यहीं से होने वाला है। तो इसमें जो भी पहले 8 मैच जीतेगा वो कस्टम जीत जाएगा, इस तरीके का सीन होने वाला है। तो मैंने राउंड को यहाँ पर 15 कर लिया। इसके बाद दोस्तों राउंड 1 में आपको कितने कॉइन मिलना चाहिए, तो राउंड 1 में मुझे मिलना चाहिए 9950। 2 में भी आपको यहाँ पर सभी राउंड के कॉइन को यहाँ पर फुल कर लेना है, जिससे मैच के अंदर आपको कॉइन की कोई भी दिक्कत नहीं जाएगी और मैच के अंदर आप किसी भी गन को काफ़ी आसानी से परचेस कर सकते हो। तो देखो मैंने सभी राउंड के यहाँ पर कॉइन्स को बढ़ा दिया। इसके अलावा जो नीचे के साइड है इन वाले कॉइन्स को भी आपको बढ़ा देना है। दोस्तों यदि आप इकोनॉमी वाले सेक्शन पर आते हो तो इसमें जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है
है उन सभी को आपको फुल कर देना है और राउंड को या तो 13 कर देना या 15 कर देना, आपके हिसाब से आप यहाँ पर कर देना। बाकी यदि स्टोर वाले सेक्शन की बात करें तो यहाँ से आपको प्राइस को कम कर देना है, क्योंकि ये गन यदि आप फुल कर दोगे तो ज़्यादा महंगे में मिलेगी। तो इकोनॉमी में सभी चीज़ें फुल कर देनी है और स्टोर वाले आइकन से दोस्तों सभी के प्राइस आपको यहाँ से कम कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर होने वाला है। अभी आपको चले जाना है गेम वाले सेक्शन पर। तो दोस्तों मैं यहाँ पर जैसे ही गेम वाले सेक्शन पर आता हूँ तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ से आप रैंडम स्टोर भी खेल सकते हो, कॉम्पिटेटिव भी खेल सकते हो, क्रेजी भी खेल सकते हो, हार्ड कोर भी खेल सकते हो। मैं यहाँ पर रैंडम वाला खेलने वाला हूँ क्योंकि दोस्तों मैंने गन अपने हिसाब से यहाँ पर सेट किया हूँ। अब यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। तो सबसे पहले राउंड है दोस्तों, यहाँ पर 7 तो बताएगा लेकिन इधर साइड से हमने 15 राउंड कर लिया है, तो यहाँ पर मैच के अंदर 15 राउंड का ही गेम होने वाला है। अभी देख सकते हो रैंडम वफ, तो इसे आपको क्या करना है कि कॉन्स्टेंट एचपी गेन कर लेना है। इसकी मदद से क्या होगा कि मैच के अंदर ऑटोमेटिक आपकी एचपी बढ़ती रहेगी। अभी रैंडम वफ के अंदर आपको 3-4 चीजें देखने के लिए मिलती है। नो में क्या होता है कि मैच के अंदर कुछ भी नहीं होता, सिंपल आपका कस्टम चलेगा। कॉन्स्टेंट एचपी लॉस में क्या होता है कि मैच के अंदर रेगुलर आपकी जो एचपी लगातार कम होती रहती है। कॉन्स्टेंट एचपी गेन में क्या होता है कि आपकी जो एचपी लगातार इंक्रीज होती रहती है। मैक्स एचपी बूस्टर में क्या होता है कि दोस्तों यहाँ पर आपके मैच के अंदर कुछ ज्यादा ही एचपी बढ़ जाती है, इस तरीके का सीन होता है। आपको एक्स्ट्रा ज्यादा एचपी मिल जाती है राउंड के स्टार्टिंग में, इस तरीके से होता है मैक्स एचपी बूस्टर में। तो यहाँ से आप कॉन्स्टेंट एचपी गेन कर सकते हो। इसकी मदद से यहाँ पर यदि आप किसी भी कैरेक्टर का यूज नहीं करोगे तो आपकी एचपी बढ़ती रहेगी। अभी देखो एचपी में यहाँ से आप सेट कर सकते हो कि आपको एक एचपी का कस्टम करना 50 का, 500 का, 200 का। तो मैं यहाँ पर 200 रहने देता हूँ। अभी मूवमेंट स्पीड है तो दोस्तों मूवमेंट स्पीड को आपको 100% ही रहने देना। यदि आप 200 करोगे तो आप काफी ज्यादा तेज भागने वाले हो। इसके बाद डिफॉल्ट कॉइन, तो डिफॉल्ट कॉइन भी यहाँ से वर्क नहीं करेगा क्योंकि इधर साइड एडवांस सेटिंग में जाकर हमने सभी राउंड के कॉइन को सेट कर दिया। अभी साइबर एयर ड्रॉप आप यस नो भी कर सकते हो, मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। अभी दोस्तों ईपी है, ईपी को यहाँ से आपको 200 कर देना है। और जंप हाइट, यदि आप ज्यादा ऊंचा कूदना चाहते हो तो जंप हाइट को बढ़ा देना, बाकी 100% मतलब नॉर्मल रहेगा। अभी जैसे मैं नीचे के साइड में आता हूँ तो एनवायरमेंट में डे और नाइट का है। यदि डे रहेगा तो दिन वाला गेम रहेगा, नाइट रहेगा तो रात वाला गेम रहेगा। फॉल डैमेज, यदि ऐसा रहेगा तो आपको फॉल का डैमेज पड़ेगा, नो रहेगा तो फॉल का आपको कोई भी डैमेज नहीं पड़ेगा। इसके बाद है हाई टायर लोड जोन, इस तरीके से दिया हुआ है तो इसे भी आप यस रहने देना। इसके बाद है हाइड टीममेट निकनेम, तो दोस्तों इसे आपको यस नहीं करना, इसे आपको नो ही रहने देना। यदि यस करोगे तो एनिमी का नाम तो आपको दिखते नहीं है, आपको अपने टीममेट का नाम भी नहीं दिखेगा, आप बार बार कंफ्यूज हो जाओगे। इसके बाद है प्रेसाइज एम, तो दोस्तों इसे आपको हमेशा यस ही रहने देना है। यदि आप नो कर दोगे तो आपका ऑटो एम वर्क नहीं करेगा। लोड आउट में आप यस नो कर सकते हो, जो बोन फायर बाउंड्री वगैरह का यूज करते हैं, यस करोगे तो बोन फायर मैच के अंदर आ जाएगी जो भी लोड आउट है, नो करोगे तो कोई भी लोड आउट मैच के अंदर नहीं आएगा, इस तरीके का सीन है। और इन गेम मिशन के अंदर दोस्तों आपको यस ही रहने देना है। इसके बाद देख सकते हो लिमिटेड एमओ, ये सबसे जरूरी सेटिंग है, इसे आपको नो कर देना है। दोस्तों जो लिमिटेड एमओ है यदि आप इसे यस कर देते हो तो यहाँ पर गेम के अंदर क्या होगा कि आप अनलिमिटेड ग्लूवल नहीं लगा पाओगे, लेकिन यदि आप लिमिटेड एमओ को नो कर देते हो तो मैच के अंदर आप अनलिमिटेड ग्लूवल लगा सकते हो। इसके बाद एयर ड्रॉप, तो दोस्तों इसे भी यहाँ से आप यस नो कर सकते हो। यदि एयर ड्रॉप को आप यहाँ से नो करते हो तो मैच के अंदर कोई भी एयर ड्रॉप नहीं आएगा, तो मैं नो कर देता हूँ। इसके बाद है जेनरिक एनिमी आउटफिट, तो इसे भी आपको नो रहने देना है। इसके बाद है फ्रेंडली फायर, तो दोस्तों फ्रेंडली फायर को आपको हमेशा नो रखना। यदि आप यस रखोगे तो आप एनिमी को मारोगे लेकिन आपके दोस्त को भी पड़ती रहेगी, मतलब कि आपका जो एम है आपके दोस्त के ऊपर भी चिपकने वाला है, इस तरीके का सीन होगा। अभी देखो कैरेक्टर स्किल, तो दोस्तों कैरेक्टर स्किल आप अपने हिसाब से कर सकते हो, इसे यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, तो मैं यहाँ से नो कर देता हूँ। इसके बाद है गन एट्रीब्यूट, जो गन की स्किन रहती है, जो गन के एट्रीब्यूट रहते हैं वो काम करने चाहिए क्या नहीं, तो मैं गन एट्रीब्यूट यहाँ से नो कर देता हूँ। अभी दोस्तों सभी सेटिंग बिल्कुल सही तरीके से हो चुकी है और सबसे जरूरी सेटिंग है लिमिटेड एमओ, लिमिटेड एमओ को आपको यहाँ से नो कर देना है। इसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, कन्फर्म वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना है और वापस से कन्फर्म वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी चीज़ें एकदम सही से सेट है और मेरे कस्टम में यहाँ पर बंदे भी आने लगे हैं, तो इसी वाले बंदे के साथ मैं यहाँ पर कस्टम करने वाला हूँ। कुछ भी नहीं करना, आप यहाँ पर स्टार्ट वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देना। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा कस्टम स्टार्ट होने लगा है और फाइनली मेरा कस्टम यहाँ पर स्टार्ट होने लगा है। आप देख सकते हो कि मैं मैच के अंदर आ चुका हूँ। थोड़ा मैं आपको कस्टम में बता देता हूँ कि किस किस तरीके से चीज़ें हुई है। अभी देखो मुझे अच्छे से खेलते नहीं बनेगा, मेरे हाथ में माइक भी है, सभी चीज़ है, इसलिए दोस्तों आप थोड़ा समझ जाना। अभी मैं थोड़ा ऊपर हो जाता हूँ। अभी देखो इस तरीके का अपना कस्टम चलने वाला है। तो देखो कॉन्स्टेंट एचपी गेन यहाँ पर आ चुका है क्योंकि हमने कॉन्स्टेंट एचपी गेन को यहाँ से ऑन कर लिया था। अभी दोस्तों यहाँ से आप देखो मैंने यूएमपी गन को ला लिया था, डेजर्ट को ला लिया था, डेजर्ट के कॉइन मैंने घटा दिया था, 250 कर दिया था, तो डेजर्ट है। इसके अलावा यहाँ पर यूएमपी है, जो जो गन है, और लेवल 4 का बेस्ट है, लेवल 3 का हेलमेट है, यह है। इसके अलावा ग्लूवल है, मशरूम है, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, और कॉइन भी अनलिमिटेड है। अभी मैं आपको ग्लूवल लगाकर बता रहा हूँ, अनलिमिटेड। दोस्तों आप देख सकते हो कि एक ही ग्लूवल है लेकिन मैं उसे बार बार लगा सकता हूँ, तो अनलिमिटेड ग्लूवल में इसी तरीके का सीन यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सभी चीज़ें सही से वर्क कर रही है और सामने के साइड में वो बंदा देखो किस तरीके से मेरे ऊपर एम कर रहा है, तो मैंने मारा अच्छे से नहीं पड़ी इसको। दोस्तों मुझे यहाँ पर खेलते भी अच्छे से नहीं बन रहा क्योंकि हाथ में माइक वगैरह है, लेकिन ये राउंड तो अपना सही से चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि फाइनली मैं पहला राउंड जीत चुका हूँ और दूसरा राउंड भी स्टार्ट हो चुका है,
और आप मेरे यहाँ पर पहले तो कॉइन देख सकते हो 9999 इस तरीके से कॉइन है, और सेकंड राउंड में भी मैं कुछ भी चीज़ें ले सकता हूँ, मुझे जो लेना है। तो इस तरीके से आप भी काफ़ी आसानी से कस्टम क्रिएट कर सकते हो। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि किस तरीके से कर सकते हो। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।